सो हेलो एवरीवन। तो गाइस फिर से हम एक और जर्नी पे निकल चुके हैं। तो यार मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो भाई यहाँ पे आने के लिए बहुत बुरी हालत हो गई है। पहली बात तो यार मेट्रो से ट्रैवल किया बहादुर, तो यहाँ पे 73 मिनट लग गए। पहले इतनी गर्मी लग गई है, ऊपर से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग रही होगी क्योंकि यार पिछले दो दिन से बुखार है, तो बुखार सीधा उठ के यहाँ पे आ गया हूँ और पूरा फिट एंड फाइन हूँ। तो अभी हमारी ट्रेन आएगी 12459 NDLS अमृतसर एक्सप्रेस, या फिर इंटरसिटी भी कहते हैं इस ट्रेन को। तो अभी तो भाई यार 1:10 हुए, 1:50 की हमारी ट्रेन है। तो अभी तो भाई ट्रेन शायद से आने वाली होगी, अभी तक तो आई नहीं है, शायद से होना आया, तो वही हमारी ट्रेन आ रही है। तो तब तक यार आप यहाँ के कुछ अच्छे शॉट्स इन्जॉय करो, तब तक मैं थोड़ा अपना रिफ़्रेश हो जाता हूँ क्योंकि भाई 73 मिनट्स ट्रैवल करके आया हूँ पूरा मेट्रो में। और मेट्रो में भाई तुम्हें पता है एसी है, दो इंटरचेंज करने पड़ते हैं, उसकी वजह से यार पहले सर्द गर्म हो रखी थी, फिर वही गर्मी ठंडी अच्छा नहीं होता। तो अभी कुछ खा भी लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको ट्रेन आने के बाद, और फिर बाद की बातें ट्रेन में करता हूँ। तो भाई फिर से हम वही अपना एक भारी भरकम बैग और एक भारी भरकम वही किट लेके जा रहे हैं। भाई मैंडेटरी हो गया अब जहाँ पे भी ट्रैवल करते हैं दोनों चीज़ें, तो ये चीज़ तो भाई मैंडेटरी हो गई है। अभी ट्रेन आने दो, फिर आपको शांति से एसी में बैठ के बताऊंगा कि अब कहाँ जा रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ दिखता है भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी हमारी ट्रेन। तो ये जो इतने भी यात्री हैं यहाँ पे सारे उसी अमृतसर वाली एक्सप्रेस वाली ट्रेन के हैं। इस साइड भाई हरियाली। तो भाई मैं खड़ा था उस साइड बिल्कुल लास्ट में, और मेरे को आना था यहाँ पे D2 में। तो भाई पूरा 1 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक। पता नहीं है इसी कार वालों के साथ इतने भेदभाव क्यों है। हमारी जो ट्रेन आ चुकी है वो हमारे पीछे खड़ी है, तो हमने करवाई है एसी चेयर कार, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये ट्रेन वही है, ये वही कोच है C2 जिसमें हमारी बुकिंग मिली है हमें। तो C228 नंबर में हमें बैठना है। और भाई अभी बहुत भीड़ है, ये शायद से पीछे से आई, तो अभी वो सवारी उतर रही है तो भीड़ है, दोनों गेट पे यात्री घुसे जा रहे हैं, तो हमारे पास एक लगेज हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एंड में जाऊँ। भाई 1:30 के करीब यहाँ पे आई है, 20 मिनट का होल्ड लगा लो क्योंकि 1:50 पे निकल लेगी यहाँ से। तो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ है इस ट्रेन के बारे में, तो आज पूरे क्लियर कर देंगे यहाँ पे। तो अब चलते हैं अंदर। तो भाई इस साइड बाथरूम है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये है हमारा कोच, तो इस साइड दूसरी ट्रेन खड़ी है। तो भाई जैसे कि वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम, तो एसी नहीं चला मिलता, लेकिन यहाँ पे है भाई ऐसा C228 अपना चेयर है। तो भाई ये है हमारी सीट 28, आइसर मिली, यानी कि एसल का मतलब होता है जो बाहर वाली होती है, विंडो वाली प्रेफर करी थी तो वो नहीं मिल पाई। तो देखिए साफ़ सफाई, उस साइड कचरा देखिए, ये कुछ ऐसा सीन है। तो अभी इस लगेज को हम रख देते हैं ऊपर। सो गाइस ये हो गए हैं हम सेटल अपनी सीट पे। तो देखिए नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं अंदर बैठने के, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं कि विंडो मिल जाती है आपको, जैसे कि ये विंडो है, और नेगेटिव पॉइंट्स ये होते हैं कि भाई अगर मेरे को बाहर निकलना है तो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको डिस्टर्ब करूँगा मैं। तो ये कुछ सीट पे हम ऐसे आ गए हैं। थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, शायद से चलेगी। अभी एसी बंद कर दिया गया है और कुछ 15 मिनट में ये चलनी चाहिए, लेकिन अगर जो रिव्यूज़ कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये बहुत लेट हो जाती है ट्रेन। तो पैसेंजर आए जा रहे हैं भाई, ये देखिए। तो बैग हमने अपना ऊपर रख दिया है, वो रहा अपना बैग। तो भाई अभी थोड़ा क्विक रिव्यू दे देता हूँ मैं इसको, देखो ऐसे अगर घुमाया तो, अगर कुछ खाना आपको अपना लैपटॉप यूज़ करना है वहाँ पे कर सकते हैं, खाना पीना यहीं पे खाएंगे हम भाई।
फिर इस साइड एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जो मूवेबल नहीं होता, लेकिन जो इस साइड आर्म रेस्ट होता है भाई वो मूवेबल होता है। ठीक है भाई, इस साइड एक सॉकेट मिलता है चार्जर, लेकिन बहुत ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा नीचे दे देते और कहीं कुछ ऐसा नहीं है नीचे। ये भाई फुट रेस्ट है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है भाई, जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं उसके हिसाब से तो बहुत है, सही है। ये बोतल होल्डर मिलता है, उसमें कुरकुरे चिप्स भी मिल जाते हैं आपको। ये विंडो मिलती है भाई, थोड़ी गंदगी भी मिल जाएगी आपको। ऊपर है ये लाइट, लाइट मिलती है, देखिए चलती है, चलती चलती है भाई, ये वाली भी चलती है। तो सीन पूरा सेट है भाई। तो भाई जिस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे थे कि साफ़ सफाई नहीं है, वो देखिए अभी साफ़ सफाई करने में लग रखे हैं भाई। हम जा रहे हैं इस ट्रेन से फगवाड़ा, तो अराउंड कुछ शाम को ये 8 बजे के करीब उतार देगी, तो कम से कम 7 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो अभी भी 1-10 मिनट है इसका, शायद से टाइम से चल जाइए। ये बाहर का माहौल देखिए। तो अभी एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं इनके वॉशरूम का, बिकॉज भाई आप कहीं पे भी जाते हो तो यार एक वॉशरूम ज़रूर चेक करते हो, क्योंकि वॉशरूम ही जीवन, चाहिए आप होटल चूज़ करें ट्रेन चूज़ कर रहे हो, तो एक बार वॉशरूम देख लेते हैं इनका। भाई हम आ गए हैं वॉशरूम में, तो एक बार इसको कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं इस साइड। तो ये शीशा भाई थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया, ऊपर लाइट मिल रही है, ये पता नहीं क्या है ये हमें भाई। इसमें भी थोड़ा हाँ बचा हुआ है, शायद से भी रिफिल कर देंगे तो कर देंगे। एक सॉकेट है ऑन ऑफ का बटन, मेरे को लगता करंट लग गया। तो भाई टैप में पानी है, इस साइड ये इंडियन टॉयलेट है, और ये फ्लश का पता नहीं है, जेट स्प्रे है, यहाँ पे मग भी मिलता है, एयर प्योरीफायर है, एवरीथिंग, स्मोक डिटेक्टर इसमें भी है भाई, नो स्मोकिंग के लिए है। तो ओवरऑल जो मैंने मतलब कि रिव्यूज़ पढ़े हैं उसके हिसाब से तो भाई बहुत बेटर वॉशरूम इसका, और वो मुझे नहीं पता कि 7 घंटे के बाद कैसा हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत बेटर है। और भाई देखिए कुछ रेलवे की गलती होती है, लेकिन बहुत ज़्यादातर गलती होती है पैसेंजर्स की, कि वॉशरूम मेंटेन नहीं करते, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो भाई आप लोग भी समझो। तो अभी अपनी ट्रेन पर चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर वॉशरूम में एसी नहीं है, वहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि अभी 10 मिनट में इसका डिपार्चर तब चलाते हैं, या फिर मुझे नहीं है पता, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ये। अभी चलते हैं अपनी उस सीट पर, रख के चले गए लगता है, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं भाई। तो भाई अब वो वापस ले गए चंद से जो टूटे कोई सपना, मैंने तो भाई हाथ सैनिटाइज करे थे अपने, कोई नहीं भाई होता है होता है। तो भाई 1:49 हो गए हैं, तो लाइट भी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट इसलिए वहाँ पे भी चलने लग गई है। तो अभी देखना ये है कि करेक्ट टाइम पे चलती है या फिर नहीं। तो भाई 1:50 हो गए हैं, अभी तक ट्रेन नहीं चली है, शायद से अगले 1-2 मिनट में चल जाना चाहिए इसे। तो जो मेरे साथ ट्रैवल करने वाला बंदा भाई वो आया ही नहीं है, लगता है उन्होंने गिफ्ट में आके मेरे को एक और सीट दे दी है मेरे बैग के लिए। तो भाई अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं 1:24:59 में, तो भाई अपना घर से खाना पैक करवा के लाएँ, क्योंकि इस पूरी ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, और सिर्फ 2 क्लास अवेलेबल होती है, एक जनरल सीटिंग होती है और एक एसी चेयर कार होती है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो जनरल सीटिंग की फिल हो चुकी थी, कुछ 130 रुपये उनका था वो फेयर, और 550 रुपये की ये पड़ गई है मेरे को टैक्स और चार्जेस अलग लगा के। तो 1:52 हो गए हैं, अभी तक ये ट्रेन नहीं चली है, तो 2 मिनट के लिए भाई यहीं पे हो गया, इसे आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो भाई 1:52 करेक्ट पे ये ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। तो बाय बाय न्यू दिल्ली, मिलेंगे आपको 2 दिन बाद। तो 2 मिनट डिले है ट्रेन यहाँ से, लेकिन इतना कुछ खासा फ़र्क पड़ता नहीं है, ये वो टाइम कवर कर लेगी। तो इस ट्रेन की मैक्स स्पीड है 130 और एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपको धूप देखने को मिलेगी, और मेरे साथ कोई भी पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक ही है कि मैं बैठ जाता हूँ विंडो साइड पे, बात खत्म। सो गाइस दिस इज़ कॉल्ड ऑटो अपग्रेडेशन, इस सीट से हम इस सीट पे आ गए विंडो साइड वाली पे, क्योंकि इस साइड कोई पैसेंजर आया ही नहीं है भाई, शायद सो आगे और स्टॉप हैं इसके अराउंड 6-7 स्टॉप्स है बीच में, तो उनमें आता होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी जब होगी अगर मेरे को नींद आ गई तो मैं सोऊंगा कैसे। तो ये सीटें होती है जैसे ये इतनी इंक्लाइन हो सकती है, आपको दिखाता हूँ, अभी ये है बस, ये लास्ट है, और अगर सीधी करूँ इसको तो इतनी है, ये लास्ट है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भाई जब भी आते हैं नई दिल्ली में बादल मिलते हैं, देख लो। Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to? So guys, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पानीपत जंक्शन। ट्रेन को यहाँ पे 3 बजे पहुँचा था, लेकिन 4 मिनट लेट है ये।
तो यहीं पे हमें अपना खाना रिसीव होने वाला था, देखते हैं भाई खाना कैसे रिसीव होगा। तो अभी यहीं पे खड़ा हूँ क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट करी होती तो गेट पे खड़ा हो जाता क्योंकि भाई पैसे जाने का डर होता है। तो देखते हैं भाई कैसे क्या, क्योंकि यहाँ पे पोस्टर भी लगे हुए हैं रेल रेस्टोरेंट जहाँ से मैंने बुक किया ये। तो एक बार खाना जाते हैं, फिर उसका क्वालिटी चेक करेंगे कैसा क्या सिस्टम है। और मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी भाई, ट्रेन में मैं पानी की सिर्फ एक ही बोतल लेके बैठा हूँ, तो पानी का भी इंतज़ाम करेंगे कहीं पे। तो देखिए शुरू हो गया आना यहाँ पे, तो लगता है कि हमें यहीं पे मिलेगा। 2 मिनट का डिले है तो 2 मिनट में शायद से वो दे जाएगा मेरे को यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया है, ये देखिए मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है, कितना का बिल बैठा है और ये जो कुछ है इसके अंदर। अभी देखते हैं भाई, खोलते हैं इसे, पहले खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे क्या है। वो भाई आया था, वो ट्रेन पे सीट पे लेके चला गया है मेरे को। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है भाई, क्वालिटी चेक करनी है प्लस जो मैंने मंगवाया वो है या नहीं है इसके अंदर वो देखना। तो भाई देखिए ये कटलरी के नाम पे आया है, और मतलब जो मैंने पैरासीटामोल मंगवाई थी उसके नाम पे ठेंगा मिला है मुझे, तो नहीं मिला भाई इसके अंदर। कुछ यूट्यूबर्स ने मंगवाया था भाई, दवाइयाँ मंगवाई तो मिल जाती, लेकिन मेरे को नहीं मिली अभी तक। क्वालिटी चेक करते हैं इसकी, क्या मंगवाया मैंने है या इसके अंदर वो नहीं है। भाई ये क्या स्कैम हो गया, मंगवाया तो पनीर था मैंने, ये दाल कहाँ से आ गई इसके अंदर। एक पराठे तो हम घर से लाए हैं, ये भी मैंने स्टेशन पे से ली थी, लेकिन ये दाल लग तो रही सही है, लेकिन दाल की जगह मैंने तो पनीर मंगवाया था भाई, पनीर तो आया नहीं, दाल आ गई, शाही पनीर मंगवाया। चलो भाई इसे काम चलाना पड़ेगा, कंप्लेन करता हूँ मैं पहले रजिस्टर एक बार इनकी। सो भाई यहाँ पे कर लिया मैंने अपना लंच, पनीर मंगवाया था दाल आ गई थी, तो दाल भी खा ली भाई। दाल में नमक ज़्यादा था तो आधी फेंकनी पड़ गई भाई, 90 रुपये वेस्ट हो गए। स्कैम कर दिया भाई मेरे साथ तो, ये तो गलत बात है भाई, ऐसा किसी भी के साथ इससे तो दे मत फिर तो भाई, दे रहे तो ऐसे तो मत करो यार, गलत हुआ है तो मेरे साथ यार। चलो कोई देखी जाएगी, कोई बात नहीं है, कुछ तो गया पेट में, प्रोटीन ही गया, दाल ये समझ से खा ली भाई मैंने। तो पनीर मिलता तो यार एक सेटिस्फेक्शन तो होता है कि हाँ पनीर मिला है, ऐसे जो भी सब्जियाँ थी सारे का प्राइस तो सेम ही था, लेकिन पनीर की जगह दाल आ गई, बस फ़र्क इतना था। तो भाई ऑन टाइम ये पहुँची है अम्बाला कैंट, तो यहाँ पे इसका 5 मिनट का होल्ट है। तो भाई मैं भी बाहर आ गया, कुछ पानी वानी की बोतल ले लेता हूँ, कुछ खाने पानी का मिल जाए, बिकॉज़ भाई ऑनलाइन डिलीवरी से तो पूरा भरोसा उठ गया, और अब मैं अपना चूना नहीं लगवाना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे खाने पीने का तो बहुत, लेकिन जंक फूड नहीं खा सकता, बिकॉज अभी बुखार सोच रहा हूँ तो पानी ले लेता हूँ, कुछ जूस का सोच रहा हूँ, कुछ हेल्दी जैसे कि सैंडविच वैंडविच मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो 5 मिनट का होल्ट, थोड़ा यार मस्त सो भी गया मैं बैठा बैठा भी, आधे घंटे में उठाऊँ। अब चलो यहाँ पे कुछ ले ले पी लेते हैं और फिर चलते हैं भाई अपने वापस बैठ जाते हैं, बैठना ही है भाई। एसी वैसी कोई ट्रेन मिली नहीं जिसके अंदर कुछ भी, अगर स्लीपर की मिल जाती तो लेट के तो जाता भाई। चेयर कार में ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरी बात ही अगर चेयर कार ये तो एसी वाली, अगर एसी वाली नहीं हो तो और दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ट्रेन कुछ 16-17 मिनट लेट है, फिर भी हम लुधियाना पहुंच गए हैं, 17 मिनट लेट है। तो वही लगा था हिसाब में, लगा था कि 8 बजे तक पहुंचेंगे हम पगवाड़ा, तो वही 8 बजे जाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट का है इसका, यहाँ पे कुछ खाने पीने का आया नहीं। तो भाई अब क्या है कि एक ही मिशन है, जाएंगे अच्छा कोई होटल या रूम ढूंढेंगे या कोई गेस्ट हाउस ढूंढेंगे और फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ पे खाना मंगाऊंगा, वहीं पे रिफ्रेश होऊंगा भाई। तो ये देखिए ये ट्रेन खड़ी है हमारी यहाँ पे, थोड़ी भाई फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ गया था मैं, वापस अंदर चलते हैं भाई, क्या पता चल पड़े मेरे को पीछे छोड़ जाए। तो भाई पूरी जर्नी में तो वैसे कुछ ठंड वंड लगी नहीं, लेकिन अब जैसे कि शाम होती जा रही तो भाई ठंड भी बढ़ती जा रही है, अब ठंड लग रही है भाई। तो मोस्टली की ट्रेन में जो ट्रैवल किया है वो शाम का ही किया मैंने, तो जो भी एसीज में तो उसमें ही होता है कि कंबल वंबल मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ी ना कंबल मिलता है, ठंड लग रही है। वैसे बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 50 किलोमीटर और है, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम फगवाड़ा। तो भाई देखो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा फगवाड़ा जंक्शन आने वाला है और अभी हम उतरेंगे। तो किट बोरी हमारी, बैग वगैरह मेरे साथ, सारी चीज़ चेक कर लिए भाई। तो स्टेशन जब आने वाले से 10 किलोमीटर पहले मैं यहाँ पे आगे खड़ा हो गया था कि भाई बाई चांस मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधा कहीं और उतरूँगा मैं। तो
अभी आने वाले हमारा फगवाड़ा स्टेशन और उतरेंगे, फिर आगे का कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा।